हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज हम एक देखिए इमेज है ये आप लोगों के सामने। इस इमेज की बैकग्राउंड हम लोग चेंज करेंगे इरेजर टूल से। ये जो देख रहे हैं आप लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसी टूल की मदद से हम लोग इस इमेज की आज बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है इसकी। तो कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। उसके बाद ये पेन टूल है यहाँ पे, और पेन टूल का शॉर्टकट की पी होता है, ये पेन टूल हम लेंगे। और उसके बाद इस फोटो के चारों तरफ जो आप लोग ये बाल देख रहे हैं, इन बालों के किनारे किनारे हमें सिलेक्शन बनानी है। तो पेन टूल से सिलेक्शन बनाएंगे। तो पहले सिलेक्शन हम बना लेते हैं बालों के किनारे किनारे, हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, आप लोग आराम से बनाइएगा। और इसमें लाकर मिला देंगे। इतना करने के बाद पेन टूल पे ही रहते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और ये जो देख रहे हैं मेक सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हेडर जो है इसमें हमको 1 पॉइंट ही रखना है, और एंटी एलियाज को चेक मार्क ही रखेंगे। और इसके बाद न्यू सिलेक्शन, ये तो सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद ओके कर देना है आपने। ओके करने के बाद इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे हमें कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। देखिए ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया है चारों तरफ, जो हमने सिलेक्शन बनाया था उतना डिलीट नहीं हुआ है चारों तरफ, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद करना क्या है हमें, ये प्लस वाला आइकन पे जो लेयर मेनू में है इस पर कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तो नीचे लेयर बन जाएगी इसकी। और यहाँ से कलर फिल करना है हमें, कोई भी यहाँ से कलर ले लेंगे अब। तो ऐसे ब्लू लेते हैं क्योंकि ब्लू पे ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, तो ब्लू कलर हम ले लेते हैं। ब्लू कलर लेने के बाद अब क्या करना, क्या है कि हमको एक और इसका सिलेक्शन बनाना है। रफ सिलेक्शन बनाएंगे, ये जो देख रहे हैं बालों के अंदर अंदर हम लोग जो ये डार्क डार्क बाल दिख रहे हैं, इनके किनारे किनारे बनाना है हमको और सिलेक्शन। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं, आप लोग आराम से बनाइएगा। तो उसके बाद सफेद जो बैकग्राउंड है इसको सिलेक्शन करना है हमें, तो इधर से लाकर इसमें मिला देंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पर जाएंगे, फिर से वही हेडर 1 रखेंगे, एंटी एलियाज ऑन रहेगा। उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ पर। ओके करने के बाद इस लेयर पर हम लोग पहले से ही हैं, इसी लेयर पर हमें काम करना है। तो ये देखिए बैकग्राउंड टूल हमको यहाँ से ले लेना है। उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। ये बैकग्राउंड इरेजर टूल दिखा रहा है यहाँ पे, साइज 30 पिक्सल है, तो साइज तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हार्डनेस को 100 रखेंगे, और स्पेस जो है 25 ही रखेंगे, और यहाँ पर साइज को ऑफ रखेंगे, और ये टॉलरेंस पेन प्रेशर ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद ये जो कंटिन्यूस पे है इस पर नहीं करना है हमें, ये जो है सिलेक्शन वंस इस पर क्लिक करना है बीच वाले पे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस है, इसको चेंज करके हमें डिसकंटिन्यूस कर लेना है। और टॉलरेंस जो है हमको फोटो के हिसाब से रखना है, आप घटा बढ़ा सकते हैं इसको, जितना ही टॉलरेंस आप लोग अच्छा रखेंगे उतना ही इस फोटो के रिमूव बैकग्राउंड अच्छी तरीके से होगा। तो चलिए कर लेते हैं। टॉलरेंस हमने 50 रखा है अभी फिलहाल। तो अब ये देखिए बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करना है, और जहाँ जहाँ हमें ये रिमूव करना है छोटा छोटा सिलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद डिलीट करते जाएंगे हम लोग बैकग्राउंड को। तो यहाँ से हम कलर को पिक कर लेते हैं, और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये इरेजर टूल सिलेक्शन है, ये है हमारा पहले से ही। और प्रेस करने के बाद ब्रश को छोड़ना नहीं है, बस आप लोग धीरे धीरे आराम से वाइट कलर पे चारों तरफ इरेजर टूल को घुमाते रहिए। देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से हेयर रिमूव हो रहा है, बिल्कुल एकदम
पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम यहाँ पे, और फिर थोड़ा यहाँ पे सिलेक्शन बना लेते हैं कलर का, फिर यहाँ कलर पिक कर लेंगे और ओके कर देंगे, फिर इरेजर टूल यहाँ से पिक करेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम से करना है, और ब्रश को छोड़ना नहीं है इरेजर टूल को। अब देखिए इधर आ जाते हैं हम थोड़ा, फिर यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेंगे और फिर पिक कर लेंगे यहाँ पर, और एक बार प्रेस करने के बाद इरेजर टूल उठाना नहीं है, चारों तरफ बस आराम से लोगों को बस घुमा देना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा कलर हम लोग उठा लेंगे, कलर उठाने से थोड़ा सा बढ़िया होता है, क्योंकि कहीं कहीं शेडो होता है बैकग्राउंड में, तो इसलिए दिक्कत ना हो, तो हम बार बार कलर उठा ले रहे हैं चेंज कर करके। तो ये देखिए हमने बैकग्राउंड डिलीट कर लिया है, और कितना बढ़िया तरीके से हुआ है। अभी आप लोगों के सामने देख रहे हैं ये जो थोड़ा थोड़ा वाइट है, इसको भी हम लोग हटाएंगे, और ये जो देख रहे हैं फ्रिंजेज है, इसको फ्रिंजेज बोलते हैं, तो इसको भी हल्का हल्का हम लोग रिमूव करेंगे। अभी इतना होने के बाद अब हमको करना क्या है, फिर से इसकी सिलेक्शन बनानी है, लॉसो टूल लेंगे यहाँ से, ये लॉसो टूल है, जहाँ जहाँ ये वाइट दिख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे हम लॉसो टूल से, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फेदर ले लेंगे 1 पिक्सल का, और उसके बाद फिर से बैकग्राउंड पे जाना है हमें, और इरेजर टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद बैकग्राउंड पे फिर जाएंगे और यहाँ से कलर पिक करेंगे और ओके कर देंगे, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और फिर देखिए जहाँ जहाँ है वाइट कलर उसको रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ भी है, तो यहाँ भी लासो टूल से, लासो टूल का शॉर्टकट की एल होता है, तो एल प्रेस कर देंगे तो लासो टूल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बालों को सिलेक्शन बना लेते हैं यहाँ से, ये राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, हेदर 1 कर ले लेंगे, और इरेजर बैकग्राउंड इरेजर टूल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर से यहाँ बैकग्राउंड से कलर यहाँ पिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आराम से धीरे धीरे वाइट जो दिख रहे हैं उसको हटा रिमूव कर लेंगे। तो आप लोग आराम से कीजिएगा, हम तो आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब ये जो वाइट कलर यहाँ दिख रहा है इसको भी हमें हटाना है, तो लॉसो टूल से यहाँ की सिलेक्शन बनाएंगे हम, और राइट क्लिक कर हेदर इसमें 1 पिक्सल का देंगे, और यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से कलर हम पिक कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर टॉलरेंस हम कम रखेंगे, क्योंकि बालों पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी देखिए हमने रिमूव कर दिया। अब जो देख रहे हैं थोड़ा बहुत ये इसमें वाइट दिख रहे हैं हल्का हल्का, तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है कि एक काम और करना है, और यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट टूल पे, और यहाँ पे लेवल है यहाँ पे, तो लेवल में देखिए आप जब लेफ्ट साइड में इसको स्लाइड करेंगे तो फोटो वाइट होगी, और इसको स्लाइड करेंगे दाहिने साइड तो डार्क होगा। तो हमें करना क्या है कि थोड़ा सा इसमें डार्कनेस फोटो में डालना है, ये बीच वाला जो है इसको हल्का सा बस थोड़ा सा बस आगे को ले जाएंगे 90 के आसपास, तो ये देखिए बिल्कुल सही हो गया है। अब ये जो आपको थोड़ा बहुत फ्रिंजेस दिख रहे हैं, इसके लिए आप फिर जाकर वही काम करना है, लासो टूल से सिलेक्शन बनानी है इसके, जहाँ जहाँ आपको मतलब हटाना हो हटा सकते हैं, कोई ये नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ से इरेजर बैकग्राउंड लेना है टूल, और इन सब इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, और थोड़ा टॉलरेंस हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे धीरे धीरे इसको रिमूव कर देंगे। तो यही काम करना आप लोगों को आराम से,
तो यही काम करना है, जहां जहां भी आपको फ्रिंजेस दिखेंगे लग रहा है कि आपको हटाना जरूरी है तो हटा सकते हैं। यहाँ भी देखिए जैसे है तो सिलेक्शन बनाते हैं, राइट क्लिक करने के बाद फेजर डालेंगे, इसमें बैकग्राउंड लेजर टूल लेंगे, यहाँ बैकग्राउंड पे जाने के बाद थोड़ा फोटो को जूम कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जो फ्रिंज दिख रहे हैं ओके करेंगे, टॉलरेंस थोड़ा यहाँ बढ़ा लेंगे और धीरे धीरे इसको रिमूव कर देंगे। तो ऐसे ही आप आराम से कीजिएगा आप लोग। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अगर आप लोग इस फोटो को लाइट कलर पे देखेंगे तो और अच्छी तरह से दिखेगी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप लोगों को हम दिखा देते हैं, अल्ट बैक स्पेस कर देंगे। देखिए हमने अभी बैकग्राउंड चेंज किया है और बिल्कुल फोटो का हेयर में लॉस कहीं भी नहीं हुआ है इमेज में। तो आप लोगों को इसी तरीके से बैकग्राउंड चेंज करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करना है। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त हो रही है, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।